नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। सत्ता और विपक्ष दोनों ने ही इसके लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया है। नतीजे, उम्मीद और झटके दोनों की ही जमीनी स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रदेश में इस बार नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों तीनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दंगल नए अखाड़े भी साधने होंगे। आखिर कौन सी पार्टी कहां किस तैयारी पर पहुंची है, देखें इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में दिसंबर में प्रस्तावित निकाय चुनाव सियासी दलों के लिए लोकसभा की तैयारियों के लिए रिहर्सल जैसे होंगे। सत्ता और विपक्ष दोनों ने ही इसके लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया है। नतीजे, उम्मीद और झटके दोनों ही एक ही जमीन पर तैयार करेंगे। प्रदेश में इस बार नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों तीनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दंगल में नए अखाड़े भी साधने होंगे। यूपी भाजपा को अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री के तौर पर धर्मपाल के रूप में नया चेहरा मिला है। दोनों के चेहरे के सामने संगठनात्मक क्षमता साबित करने की ये पहली बड़ी परीक्षा होगी। नतीजों को सरकार के कामकाज से भी जोड़ा जाएगा। फिलहाल पार्टी सेवा पखवारा जैसे अभियानों के जरिए घर घर पहुंचने में लगी हुई है। वहीं निकायों के लिए मंत्रियों, विधायकों व संगठन के चेहरों को भी उतार दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नए सिरे से तानापोशी हुई है। राष्ट्रीय पार्टी के तय ख्वाब को पूरा करने के लिए जमीनी पकड़ का इम्तिहान व नतीजों से उम्मीद तलाशने का ये मौका होगा। नजर उस पर भी होगी कि भाजपा की आक्रामक प्रचार के मुकाबले सपा मुखिया प्रचार में उत्तर सक्रियता को लेकर उठाने वाले सवालों का जवाब तलाशते हैं कि नहीं। फिलहाल पार्टी ने मौजूदा और पूर्व विधायकों, सांसद व अन्य पदाधिकारियों को पहले से ही प्रभारी बनाकर निकायों में पसीना बहाने के लिए भेज दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमट गई बसपा के सामने अपने मतदाताओं का भरोसा वापस पाने की चुनौती होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर सिमटने के महज 8 महीने बाद हुए चुनाव में बसपा ने मेयर की 2 सीटें कब्जा कर ली थी। इसलिए पिछले नतीजे उसके लिए हौसले व संभावनाओं के तौर पर काम करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर मायावती नियमित बैठकें कर रही हैं। जमीन पर संगठन को भी सक्रिय किया जा रहा है। चुनाव दर चुनाव यूपी में बदतर प्रदर्शन का रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस की संभावनाएं और प्रयोगों दोनों पर ही परीक्षा होगी। शहरी इलाकों में अच्छी पैठ रखने वाली कांग्रेस को पिछली बार कोई खास सफलता नहीं मिली। फिलहाल पार्टी ने हाल ही में नया अध्यक्ष और 5 प्रांतीय अध्यक्ष बनाया है। इन चेहरों के जमीनी पकड़ और समझ का हिसाब भी निकाय चुनाव करेगा। उत्तर प्रदेश में दिसंबर में प्रस्तावित निकाय चुनाव सियासी दलों के लिए लोकसभा की तैयारियों के लिए रिहर्सल जैसे होंगे, जिसके लिए सारी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।